हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कुछ मैंने करने को दिए थे, तो कौन से हो गए बताओ और किस में डाउट है? ओपन मार्केट क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा ठीक है, गुड मॉर्निंग ऋतिका। हाँ, वो वही कंडीशन के ऊपर है ना कि जैसे पेमेंट बेस्ड है, तो अपन देखा था पेमेंट से तो रिलेटेड पहले पता ही नहीं चल सकता। आज आप किसी को बोल रहे हो 30 दिन में पेमेंट दे देना, मैं तेरे को 1000 का डिस्काउंट दूंगी, बिल तो आज बनाना है, तो आज तो अपन पूरे अमाउंट का ही बनाएंगे ना। तो फिर जब पूरे अमाउंट का बिल बन गया तो जीएसटी आज अपन कितने पे लगाएंगे? पूरे पे लगाएंगे। फिर इन फ्यूचर उसने पेमेंट दे दिया अगर, तो क्या कर सकते हैं उसको? क्रेडिट नोट डेबिट नोट इश्यू होते हैं, वो कर सकते हैं। इनवॉइस पूरे उतने का ही बनेगा फिर, जब फ्यूचर की कोई चीज होती है तो। चलिए कौन सा क्वेश्चन है? क्या नाम क्या है? स्टार्टिंग ही ओपन मार्केट वाली। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, इसको भी करना पड़ेगा। या तो एक काम करते हैं, अपन पहले रिवीजन कर लेते हैं, नहीं तो आप लोगों में से कई लोगों को तो याद ही नहीं है, तो अपन पहले चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं फिर ये क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको पता तो रहे कि हो क्या रहा है। हाँ जी, चलिए अपन रिवीजन करने वाले हैं इस क्लास में वैल्यू ऑफ सप्लाई का। वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां से बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। देखिए, हम टाइम ऑफ सप्लाई में क्या पढ़ते हैं कि हमको आखिर जीएसटी कब जमा कराना है, लाइबिलिटी कब अराइज होगी। वहीं हम दूसरी तरफ प्लेस ऑफ सप्लाई में पढ़ते हैं कि हमको ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई, उससे हमको पता चलता है कि कौन सा वाला जीएसटी लगाना है, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, यूटी जीएसटी, ये हमको प्लेस ऑफ सप्लाई में पता चलता है। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर जीएसटी हमको कब भरना है, ये पता है, कहाँ लगाना है ये पता, लेकिन किस वैल्यू पर लगाना है ये नहीं पता। तो जीएसटी निकलता कब है? जीएसटी की लाइबिलिटी तब निकलती है जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं जीएसटी रेट से, तब जाकर के हमारा जीएसटी का जो भी अमाउंट आ रहा है वो निकलता है। तो इस वजह से वैल्यू ऑफ सप्लाई को पढ़ना जरूरी होता है, ताकि हम पता कर पाए कि आखिर जीएसटी लगेगा किस वैल्यू पर। तो यहां पर सेक्शन 15 आता है। सेक्शन 15 क्या बोलता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई हम क्या लेंगे? तो यहां पर सेक्शन 15 बोलता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई हम लेंगे ट्रांजेक्शन वैल्यू।
जिसको हमने रेगुलर क्लास में फर्स्ट क्लास में डिटेल में समझा था, ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होती है, जिस रेट पर जिस प्राइस पर दो लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उस प्राइस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन वैल्यू बोलते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये सेक्शन दो बातें और बोलता था। इसने बोला ट्रांजेक्शन वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे, पर दो बातें पूरी होनी चाहिए, कौन सी थी वो? प्राइस सोल कंसिडरेशन होनी चाहिए एंड बायर सेलर जो है सप्लायर रेसिपिएंट नॉन रिलेटेड होने चाहिए, मतलब रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए। अगर ये बातें पूरी हो रही है तो ट्रांजेक्शन वैल्यू को ही हम वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर ये बातें पूरी नहीं हो रही है तो फिर क्या होगा? फिर हम वैल्यूएशन रूल्स के पास में जाएंगे और वैल्यूएशन रूल्स जैसा बताते हैं वैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे अपन। जब हम ट्रांजेक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई मानना है, लेकिन उसमें भी कुछ हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने होते हैं, मतलब कुछ चीजें ऐड और कुछ चीजें लेस भी करनी होती थी, वो सब चीजें देखते हैं। आइए यहां पर हमने पढ़ लिया था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है, जिस जो प्राइस एक्चुअली में पे की गई है या पेबल है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था वेयर द सप्लायर एंड द रिसिपियंट ऑफ सप्लाई आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, तभी जो है हमारी ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सेप्ट होगी। ये अभी अभी अपन बात कर चुके हैं। अब हमने क्या करा था, एक फॉर्मेट देखा था सर। इस फॉर्मेट में क्या था, इस फॉर्मेट के अंदर ये था कि जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई तो मान लेंगे, लेकिन कुछ चीजें हमको एड ऑन करनी पड़ेगी अगर ये एड ऑन नहीं हो रखी है तो इन चीजों को हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा और कुछ चीजें लेस करनी पड़ेगी। क्या क्या चीजें ऐड ऑन करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो कोई भी टैक्स ड्यूटी या सेस हमको ऐड ऑन करना है, लेकिन किसको नहीं करना है ऐड? जीएसटी को ऐड नहीं करना, और एक और चीज है टीसीएस को भी हमको ऐड नहीं करना होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। एक और चीज हमने पढ़ी थी कि रिसिपिएंट ने सप्लायर के बिहाफ पर किसी को पेमेंट करा है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा। हमने एक एग्जांपल भी देखा था कि एक इवेंट था जिसमें कोक वाले को जो पेमेंट था वो रिसिपिएंट ने कर दिया था, तो फिर भी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में तो ऐड ऑन होगा ही होगा। तो अगर बायर सप्लायर के बिहाफ पर किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहा है तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा, मतलब सप्लायर को उसे इनवॉइस में ऐड ऑन करना है और फिर उस पर भी जीएसटी लगाना होगा। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि कमीशन एंड पैकेजिंग के खर्चे जो भी है, पैकिंग के खर्चे, कमीशन के, या इसको हम इंसिडेंटल एक्सपेंसेस बोलते हैं, सप्लाई से रिलेटेड खर्चे, वो सारे के सारे खर्चे भी क्या कर दिए जाते थे, एड ऑन कर दिए जाते थे। अगर आप लेट पेमेंट की वजह से कोई इंटरेस्ट ले रहे हो या लेट फीस ले रहे हो बायर से तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में एड ऑन कर दी जाती थी। सारी की सारी सब्सिडी भी एड ऑन की जाएगी एक्सेप्ट गवर्नमेंट सब्सिडी, जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है वो एड ऑन नहीं होगी, बाकी सारी की सारी सब्सिडीज एड हो जाएगी। तो ये सारी चीजें एड हो जाएगी और एक चीज लेस होगी, वो क्या है, डिस्काउंट। अब हमने डिस्काउंट में भी देखा था कि डिस्काउंट अलग अलग टाइप के होते हैं। एक डिस्काउंट इंस्टेंट दिया जाता है, तो जो डिस्काउंट इंस्टेंट हाथों हाथ दिया जा रहा है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस होगा। एक डिस्काउंट ऐसा भी होता है जो कि फ्यूचर डेट पर दिया जाता है, तो उसका क्या करें? अगर कोई डिस्काउंट फ्यूचर डेट पर दिया जा रहा है तो अगर वो डिस्काउंट स्पेसिफिक इनवॉइसेस से लिंक किया जा सकता है और पहले से ही पता है सप्लाई के टाइम पर कि ऐसा कोई डिस्काउंट फ्यूचर में दिया जाएगा तो हम उसको भी डिडक्ट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन कोई ऐसा डिस्काउंट है जो फ्यूचर में दिया जाएगा, पहले से पता भी नहीं है और स्पेसिफिक इनवॉइस से लिंक्ड भी नहीं हो सकता, तो वो डिस्काउंट लेस डिडक्ट नहीं किया जाएगा, वो एडेड ही रहेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। ये चीजें अपन ने इस सेक्शन 15 में पढ़ी थी अलग अलग करके। और अगर यहां से बात नहीं बनती है तो फिर अपन कहां जाते हैं, वैल्यूएशन रूल्स के पास में जाते हैं। तो वैल्यूएशन रूल्स अपन ने क्या क्या देखे थे वो भी देख लेते हैं पहले फटाफट से। अब अपन इसको देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि क्या ऐड होना है, कोई भी टैक्स ड्यूटी सेस फीस सब कुछ ऐड होना है, लेकिन जीएसटी ऐड नहीं होना है एंड टीसीएस ऐड नहीं होना है। नेक्स्ट था कि रिसिपिएंट ने सप्लायर के बिहाफ पर कोई पेमेंट करा है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में एड ऑन करना होगा आपको। फिर इसके लिए अपन ने एक एग्जांपल भी देखा था सॉफ्ट ड्रिंक्स वाला, जिसके अंदर रिसिपिएंट ने पेमेंट करा था सप्लायर के बिहाफ पर।
इसके बाद में हमने देखा था इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो भी होते हैं रिलेटेड टू सप्लाई, जैसे पैकिंग का खर्चा हो गया या और कोई खर्चा हो गया जो कि सप्लाई से रिलेट करते हैं, इसके बिना सप्लाई का हो पाना मुश्किल है, वो सारे के सारे खर्चे एड ऑन कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अपन ने अभी अभी बात कर ली है इंटरेस्ट, लेट फीस जो भी लोगे वो सारा का सारा ऐड होगा। फिर हमने ये भी देख लिया है कि कोई भी सब्सिडी वगैरह है वो भी ऐड होगी, लेकिन गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड नहीं होगी। ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में हम यूं कह सकते हैं कि ये चीजें ऐड होती है। ये समरी हो गया। TTEIS, पहले टी का मतलब क्या था? टैक्स ड्यूटी एंड सेस। अदर टी का मतलब क्या था? थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन को पेमेंट करता है रिसिपिएंट। ई का मतलब क्या था? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस था। आई का मतलब इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी वगैरह अगर कोई ले रहे हो। और एस का मतलब सब्सिडी था, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी ऐड नहीं करनी है। लेस क्या करना होगा? डिस्काउंट हमको लेस करना होगा। ये रहे डिस्काउंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। पहला डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया जाता है तो लेस करना है। डिस्काउंट आफ्टर सप्लाई दिया जाएगा, लेकिन एग्री पहले से हो गया है और स्पेसिफिकली इनवॉइस से लिंक भी किया जा सकता है तो इसको भी डिडक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन एक ऐसा डिस्काउंट है जिसको लेस नहीं किया जाएगा, वो क्या है? ये रहा आफ्टर सप्लाई दिया जाएगा और सप्लाई के टाइम पर पता भी नहीं है तो ये वाला डिस्काउंट एड ही रहेगा, लेस नहीं होगा। फिर अपन ने इसके एग्जाम्पल भी देखे थे, हर एक डिस्काउंट के अपने आप में अलग अलग एग्जाम्पल थे 3, तो वो हमने देख लिए थे। इसके बाद में अपन ने कुछ एमसीक्यू वगैरह कर लिए थे। फिर अपन चले थे वैल्यूएशन रूल्स के पास में। अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होती है, कब एक्सेप्ट नहीं होगी? जब प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है या तो, या फिर बायर सेलर जो है वो क्या है? रिलेटेड पर्सन है। तब नहीं। प्राइस सोल कंसिडरेशन होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि प्राइस जो पैसा आ रहा है बस वही कंसिडरेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कहीं ऐसा हो कि पैसा भी आ रहा है साथ में गोल्ड भी आ रहा है, तो वहां पर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं हुई। हम प्राइस को सही नहीं मान सकते क्योंकि दूसरी चीजें भी मूव वहां पर होती है, तो उसको बोलते हैं प्राइस का सोल कंसिडरेशन ना होना। और रिलेटेड तो हमको पता ही है कि रिलेटेड है मतलब जो उस पर वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो प्राइस सही नहीं होगी, क्योंकि वो लोग आपस में क्या है? रिलेटेड। वो जानबूझ के ट्रांजेक्शन कम प्राइस पर करेंगे ताकि जीएसटी लाइबिलिटी क्या है? कम से कम आए, इसीलिए उनके लिए भी वैल्यूएशन रूल बना दिए गए। तो रूल नंबर 27 क्या बोलता है? व्हेन कंसिडरेशन इज नॉट ओनली इन मनी, मतलब प्राइस सोल कंसिडरेशन ना हो तो अब आपको कैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी पड़ेगी। तो इन्होंने बोला आप क्या करो भाई, ओपन मार्केट वैल्यू ले लो उस सप्लाई की, और अगर ओपन मार्केट वैल्यू से बात ना बने तो फिर मॉनेटरी मतलब कैश में जो मिला वो ले लो, और जैसे अभी हमने एग्जांपल में बोला साथ में गोल्ड भी आ रहा है तो गोल्ड की जितनी भी मॉनेटरी वैल्यू बनती है वो ले लो। लेट सपोज के आपको मिलते हैं 1 लाख रुपए और प्लस एक आईफोन मिल गया 1 लाख का, तो अब आप क्या करोगे? 1 लाख रुपए लोगे प्लस 1 लाख आईफोन की वैल्यू लोगे, कितनी हो जाएगी? 2 लाख रुपए हो जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। और ये इससे भी बात ना बने तो उसके जैसे दिखने वाले लाइक काइंड एंड क्वालिटी दोनों में जो सेम हो, उसके जुड़वा की जो वैल्यू है वो ले लो, उस प्रोडक्ट की वैल्यू ले लो। और फिर भी बात ना बने तो रूल 30 के पास जाते हैं अपन, कॉस्ट का 110%, वो अभी अपन देखेंगे आगे। ये हो गया जब प्राइस सोल कंसिडरेशन ना है। अब मान लीजिए बायर एंड सेलर रिलेटेड है तो क्या करें? तो देखो दोनों में एक बात तो कॉमन है, सबसे पहले तो किसको प्रेफरेंस दी गई है? ओपन मार्केट वैल्यू को दी गई है। इधर सेकंड प्रेफरेंस देखो किसको दे दी? लाइक काइंड एंड क्वालिटी। और उधर किसको दी थी? थर्ड वाले को दी थी। अच्छा इधर तो वैसा कोई पॉइंट ही नहीं है, मॉनेटरी वैल्यू प्लस जो आया है उसका कैश कंसिडरेशन, वो पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ तो प्राइस तो सोल कंसिडरेशन होगी। हम तो क्या बात कर रहे हैं, जब बायर सेलर रिलेटेड हो उसकी बात कर रहे हैं, तो उधर तो इसलिए देना पड़ा वो पॉइंट क्योंकि प्राइस के अलावा कुछ और चीज भी आती है। अब वो कुछ और चीज के बारे में लिखना तो पड़ेगा ना कि इसकी कितनी वैल्यू लेनी है, इसलिए वहां पर सेकंड वाला पॉइंट बना हुआ है। और इधर उस सेकंड पॉइंट की जरूरत नहीं, इसलिए डायरेक्टली इस पर आगे देखो, थर्ड पॉइंट जो इधर थर्ड पॉइंट था वो इधर सेकंड पॉइंट हो गया। तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाले की वैल्यू ले लो। उससे भी बात ना बने तो इधर जो फोर्थ पॉइंट था वो इधर थर्ड पॉइंट हो गया, कॉस्ट प्लस 10%। और फिर इन तीनों से नहीं बने तो जो मर्जी हो वो करो, मतलब रीजनेबल तरीका जो भी लगता है उस तरीके से आप क्या निकाल लो,
वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लो। अब यहां पर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पढ़ा था, ये रहा, बताओ इसका मतलब क्या था? ये नोट काफी इंपॉर्टेंट था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट रहा था ये नोट। क्या मतलब था इस नोट का? आया कुछ याद? ये पूरी एक ही बात है, दो बातें नहीं है, एक ही है ये। हाँ बताओ क्या पढ़ा था? हाँ करण, जैसे उसकी याद आती है, कंसेप्ट याद नहीं आता। फिर कौन सा गाना गाया था कल तुमने? भूल गया मैं। हाँ याद आ, तेरी याद आती, बताओ। इसके लिए भी गा लो थोड़ा, नहीं तो फिर इसकी याद आएगी। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि बायर सेलर तो रिलेटेड है ही है। बोला मान लीजिए ए ने बी को सेल करी है, दोनों रिलेटेड है, खरीदने वाला कौन है? बी है। अगर बी को आईटीसी मिल सकता है उसका, और वो उसी चीज को एज इट इज लाइक काइंड एंड क्वालिटी को आगे किसी थर्ड पर्सन सी को सेल कर रहा है, तो बोला गया कि बी जितने में सी को सेल करेगा ना, उस प्राइस का 90% वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लेंगे फॉर ए एंड बी के लिए। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, द रिसिपियंट इज इलिजिबल फॉर आईटीसी, मतलब बी अगर इलिजिबल है आईटीसी लेने के लिए, इनवॉइस वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड एज वैल्यू फर्दर प्रोवाइडेड वेयर द गुड्स बीइंग सप्लाइड और इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई एज सच बाय द रिसिपियंट वैल्यू शैल बी 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। मतलब ए बी को सेल करेगा और बी जो है इलिजिबल है फॉर आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, आपस में रिलेटेड है, तो बी इसी लाइक काइंड एंड क्वालिटी का गुड्स जितने में सी को सेल करेगा, जो भी सेलिंग प्राइस होगी उसका 90% इस वाले ट्रांजेक्शन के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई ले ली जाएगी पिछले वाले की। मैंने इसका लॉजिक भी बताया था आपको, बताओ लॉजिक क्या है इसका, क्यों ले रहे हैं इसकी प्राइस को, क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? आईटीसी मिल जाएगा तो कुछ गलत करेंगे ही नहीं है, आईटीसी मिल रहा है फिर क्या दिक्कत है? गड़बड़ कब करेंगे ये, जब इसको आईटीसी नहीं मिल रहा तो ये बोलेंगे यार ये तो अपने पैसे वेस्ट जा रहे हैं, ये तो अपनी कॉस्ट बढ़ा रहा है। आईटीसी मिल रहा है, मान लो 1 लाख लगा, 1 लाख का आईटीसी ले लेगा अगला, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। इस वजह से ये बनाया गया। अगर मान लो इसको आईटीसी नहीं मिले तो जरूर से ये बोलेगा भाई देख कम का बिल बना, फालतू में जीएसटी ज्यादा भरना पड़ेगा तेरे को, तो इस वजह से वो कम का बिल बनाएगा। तो इस वजह से ये प्रोविजन ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर आईटीसी मिल रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो फिर जितने में तुम आगे सेल करोगे उसका 90% जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई ले ली जाएगी। हाँ जी वेरी गुड, ऑनलाइन वालों ने सही बताया, बताओ। चलो ये हमने छोटे मोटे नोट पढ़ लिए थे, ओपन मार्केट वैल्यू क्या होती है वगैरह वगैरह। उसके बाद में अपन रूल 29 कब लगेगा, जब किसके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा हो, प्रिंसिपल एजेंट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा हो। हमने प्रिंसिपल एजेंट से रिलेटेड एक कंसेप्ट और पढ़ा था शेड्यूल 1 में, जो कि यहां पर भी फिर से बताया गया। हमने क्या पढ़ा था कि प्रिंसिपल एजेंट इवन विदाउट कंसिडरेशन भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी उसके ऊपर क्या लग जाएगा, सप्लाई मान के जीएसटी लगाया जाएगा, वहां पर अपन ने बात करी थी। लेकिन अब सवाल यह है कि किस वैल्यू पर लगाए। बोला आपने तो बोला बिना कंसिडरेशन करेंगे तो भी लगा देंगे भाई, अब लगाए किस वैल्यू पर, इस सवाल का जवाब यहां पर आकर के दिया है रूल 29
29 में कि आखिर लगाए किस वैल्यू पर, वो यहां पर जवाब मिलने वाला है। अच्छा, अपन ने ये जब कंसेप्ट पढ़ा था तो इसमें कुछ और भी था क्या इसके अलावा? क्या कोई ऐसी सिचुएशन थी जब प्रिंसिपल एजेंट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आपस में इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा? नहीं, प्योर एजेंट नहीं था। क्या ऐसी कोई कंडीशन थी क्या? प्रिंसिपल एजेंट अगर आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उनके ट्रांजेक्शन पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। कब नहीं लगाते थे? जब एजेंट प्रिंसिपल का ही इनवॉइस आगे कस्टमर को दे रहा होता है, वो खुद का इनवॉइस इशू नहीं कर रहा होता था, तब जो है हम बोलते थे कि यहां पर जो है डायरेक्टली प्रिंसिपल ही जीएसटी लगा के इनवॉइस दे रहा है, तो जरूरत नहीं है लगाने की। अब यहां पर देखते हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई आखिर कैसे निकालनी है। पहला तो क्या बोला कि तुम क्या करो, ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, ठीक है। दूसरा क्या बोला, अगर इससे बात ना बने तो अच्छा, पहले तो इसमें सारी चीजें यही बता रखी है, ओपन मार्केट वैल्यू ले लो और एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर बी 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रिसिपिएंट। वो जो अभी पॉइंट पढ़ा उसी के जैसा है, मतलब या तो तुम क्या करो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, या फिर जो बायर है रिसिपिएंट, मान लो प्रिंसिपल ने एजेंट को भेजा, तो एजेंट उसी लाइक काइंड एंड क्वालिटी के गुड्स की जो भी प्राइस चार्ज कर रहा है उसकी 90% ले लो, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लो, अभी पीछे और पड़ी है, ठीक है। नॉट बींग ए रिलेटेड, मतलब एजेंट जिसको बेच रहा है आगे, जिसकी तुम प्राइस ले रहे हो, वो रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए, वरना वो प्राइस सही कहां से होगी? वो तो 100 की चीज 10 में बेची हुई बताएगा, बोलेगा 90% ले लो इसका, 9 रुपए ले लो, जबकि बननी कितनी चाहिए थी, 90 रुपीज बननी चाहिए थी। तो इसीलिए बोला कि भाई तुम जितने में एजेंट आगे बेच रहा है उस वाली प्राइस का 90% तो ले लो, लेकिन ध्यान रखना एजेंट जिसको बेच रहा है कहीं वो रिलेटेड ना हो, वरना तो फिर तुम्हारी वो प्राइस सही नहीं होगी। और अगर इससे ही बात ना बने तो फिर रूल 30 एंड 31 के पास में आ जाना। ये रहा रूल 30, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था, कॉस्ट ऑडिट के अंदर भी आता है, पेपर नंबर 19 फाइनल में क्या था भाई कि रूल 30 बोलता है कि तुम क्या करो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110% कर दो, वही क्या है तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकाले, कहां एक्सप्लेन कर रखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकाले? क्या जीएसटी में दिया गया है कि कैसे निकालनी है कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए किसको रेफर करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 को, बोलते हैं वहां जाओ वहां बता देंगे कैसे निकालेंगे, मैं तो ये बोल दिया बस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110% कर दो। तो CAS 4 के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने का ये फॉर्मेट था, पहले तो सारे के सारे डायरेक्ट मटीरियल लेबर एक्सपेंसेस ले लो, वर्क्स एंड फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब इनडायरेक्ट भी आ गए एक तरीके से जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान रखना है ओनली प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे, पैकेजिंग अगर नेसेसरी हो तो, अगर नेसेसरी नहीं है तो इंक्लूड नहीं करनी, रिसर्च डेवलपमेंट क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, इसके अलावा इन्हीं में से कोई स्क्रैप वगैरह सेल करके पैसा आया है तो उसको अपन लेस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी उसका हम 110% कर देंगे। ये रहा, अदर कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू लेस कर दो, सब्सिडी ग्रांट मिली है वो लेस कर दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। रूल 31 क्या बोलता है? क्या बोलता है रूल 31? रेसिड्यूअल मेथड ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। जब 27 से 30 से बात ना बने तो रीजनेबल मींस रीजनेबल तरीके से तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल ली जाए, जो सही लगता है उस टाइम पर फिर उस तरीके से निकाल ली जाए। हाँ बिल्कुल, फिर बैठेंगे जीएसटी वाले और ये बोलेंगे देखो रीजनेबल क्या लगता है वो निकाल लो, और आप खुद भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है भाई, आपको आपने चेक करा किसी में नहीं आ रहा है तो फिर रीजनेबल जो भी इनमें से लग रहा है आपको रीजनेबल तरीका उस हिसाब से निकाल लो आप। कई बार जीएसटी ऑफिसर के साथ में बैठ के भी आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई क्या तरीका हमको अपनाना चाहिए, वैसे इसकी नौबत नहीं आती है, आपको उन्हीं में से किसी से लेना पड़ता है। वैसे तो जनरली जहां कहीं नहीं लगता कॉस्ट तो अवेलेबल है ही ना भाई, कॉस्ट तो पता ही होगी उसका 110% कर लो, और काफी सारी कंपनीज तो कोई दिक्कत ना आए इसलिए कॉस्ट का 115% 120% भी करते हैं, ऐसा क्यों करते भाई, सरकार ने तो 110 बोला हुआ है। अभी जैसे मान लो हमारी कंपनी थी वेदांता,
वो क्या करती थी, अपनी ब्रांच को कोई माल भेज रही है तो रूल 30 लग रहा है, तो कॉस्ट का 110% करना होता है, वो 115% करते थे। होगा क्या भाई, अपनी तो ब्रांच है, वो ITC ले लेगी जो भी GST लगेगा उसके ऊपर, और अपने को किसी लफड़े में फंसना नहीं पड़ेगा। बोले 110, ये तो बाद में बोल दे नहीं कॉस्ट ही गलत है, तो ये तो 109 ही बेटर है, पेनल्टी लगा देंगे, इंटरेस्ट लगा देंगे, इससे बढ़िया 115 भर देते थे, और बाद में क्या करते थे जो है वो ITC ले लेती थी जिसके पास भी गया, तो कोई नुकसान तो है नहीं, पैसा वहीं का वहीं। इसके बाद में रूल 31A में लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग के जो टिकट्स वगैरह हैं, हॉर्स रेस वगैरह हैं, उनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना बिल्कुल फिक्स्ड पैटर्न है, इसी पे निकालनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई लॉटरी रन करता है राज्य सरकार के द्वारा या कोई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड व्यक्ति, तो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई इन दो में से जो भी हायर आए वो लेनी होगी। एक तो 100/128 कर देना है, मतलब ये मानना है कि उस टिकट में 28% का GST इंक्लूड है, तो 100/128 × 100 करेंगे, और एक 100/128 करना है जो नोटिफाइड प्राइस है उसका। नोटिफाई कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। अभी ये क्यों बना दिया सर नोटिफाइड प्राइस का, ऐसे क्यों नहीं कर लिया? कल को लोग फेस वैल्यू कर देंगे बहुत कम, 100 रुपए की चीज की 10 रुपए फेस वैल्यू लिख देंगे, ठीक है, फिर 100/120/100 करके बोलेंगे इतना ही GST बनता है, तो गड़बड़ हो सकती है। तो सरकार ने बोला नहीं देख ये हम प्राइस नोटिफाइड कर रहे, इतनी तो तुमको रखनी ही पड़ेगी। मान लो सरकार ने 100 रुपए नोटिफाई कर दी प्राइस, तो अब अगला तो मान लो 50 रुपए रख रहा है, तो भी एक तो 100 का 120/100/128 होगा, एक 50 का होगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर कल को तुम फेस वैल्यू कम भी कर दो तो सरकार ने जितनी नोटिफाइड करी है उतने पर तो तुमको GST आएगा ही आएगा, उसमें कोई इश्यू होगा ही नहीं। इसके बाद में सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम इन द फॉर्म ऑफ चांस टू विन बैटिंग गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग इन रेस क्लब, इसमें ये और इसमें फर्क क्या है? ये एक्शनेबल क्लेम के लिए, ये लॉटरी के लिए था, ये एक्शनेबल क्लेम के लिए, ये दोनों में फर्क है। आपको क्या लेनी है? 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ बैट और द अमाउंट पेड इन टू द टोटलाइजेटर। टोटलाइजेटर अपन ने सप्लाई में देखी थी, वो मशीन होती है जिस जो सारे बैट डाल देते हैं फिर निकलती है, और फेस वैल्यू का 100%। इसमें और लगा रखा है, मतलब ऐसा नहीं कि हायर लोअर, ये वैल्यू अवेलेबल है ये ले लो, ये अवेलेबल है ये ले लो, ठीक है, 100% ले लेना है इसका। इसके बाद में आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो अपन ने आगे देखी थी, रूल 32, डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सप्लाई, जिसमें अपन ने फॉरेन करेंसी देखा था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का काम करते हैं एजेंट, उनके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी वो यहां थे। एयर ट्रेवल एजेंट जो टिकट बुकिंग का काम करते हैं उनके लिए कैसे निकलेगी वो यहाँ थी। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस LIC के लिए, इसके अलावा सेकेंड हैंड गुड्स के लिए, और लास्ट किसके लिए था? वाउचर्स वगैरह के लिए। सबसे पहले की अगर अपन बात करें मनी चेंजिंग करेंसी चेंजिंग का जो बिजनेस होता है उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी है, तो हमने देखा था ये डिपेंड करता है कि RBI रेफरेंस रेट अवेलेबल है या नहीं है इसके ऊपर। अगर RBI रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो हमको क्या करना होगा? अब उसमें भी डिपेंड करता है कि तुम फॉरेन करेंसी को परचेज कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो। भाई जब हम फॉरेन करेंसी परचेज करेंगे तो RBI रेफरेंस रेट से कम पैसा देंगे या ज्यादा देंगे उसको? एज ए बैंक या मनी एक्सचेंजर, मान लो आप फॉरेन करेंसी को, किसी के पास डॉलर है, वो डॉलर तुमको दे रहा है, तुम बदले में उसको रुपए दे रहे हो, तो मतलब डॉलर परचेज कर रहे हो, सस्ते में करोगे ना उसको, तभी तो तुमको फायदा होगा। तो यहाँ पर RBI रेफरेंस रेट तो ज्यादा होगी जब परचेज कर रहे होंगे। RBI ने रेफरेंस रेट बताई 70, आप ले रहे हो 65 में, 5 रुपए का आपका गेन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट्स, किसकी? डॉलर की,
$1,000 खरीदे तो 5 × 1000 ये आपका फायदा हो गया, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। और वहीं अगर तुम सेल कर रहे हो, किसी को यूएस जाना है, यूएस जाने के लिए उसको क्या चाहिए भाई, डॉलर चाहिए। वो तुम्हारे पास आया, बोला डॉलर दे दो, आप दोगे उसको डॉलर। आरबीआई ने जो रेफरेंस रेट बना बता रखी, उससे महंगा बेचोगे या सस्ता बेचोगे? आरबीआई रेफरेंस रेट से ऊपर बेचोगे तभी तो फायदा होगा। तो हम यू बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस आरबीआई की रेफरेंस रेट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अल्टीमेटली करना क्या है, डिफरेंस लेना है जो तुम्हारा फायदा हो रहा है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट्स फॉरेन करेंसी की जो भी यूनिट्स है वो ले लेनी। देखो यहां पर बताया गया है, अगर आरबीआई की रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो आपको डिफरेंस निकालना है नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सचेंज से मल्टीप्लाई। इधर भी परचेज और सेल में, जब परचेज कर रहे हो तो रेफरेंस रेट ज्यादा होगी और तुम तो सस्ते में कर रहे होंगे, जब सेल कर रहे होंगे तो तुम्हारी सेलिंग रेट ज्यादा होगी और आरबीआई की रेफरेंस रेट कम होगी। जब रेफरेंस रेट अवेलेबल ही नहीं है तो इंडियन रुपीज में जो भी एक्सचेंज हुआ है, इंडियन रुपीज फॉरेन, मान लो डॉलर की रेट जो है मल्टीप्लाई आपकी रुपी डॉलर की एक्सचेंज रेट, मान लो $1,000 चेंज करे 70 की रेट में तो कितनी हो गई है, 70,000। 70,000 का 1% लेना है, $1,000 का नहीं लेना है, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो और उसके बाद में उसका परसेंटेज लो। तीसरा केस क्या था कि जब तुम इंडियन रुपीज में कन्वर्जन ही नहीं कर रहे हो, एक फॉरेन करेंसी से दूसरी फॉरेन करेंसी में आप कन्वर्जन कर रहे हो तो क्या करें? तो हमने देखा कि सबसे पहले तो अपन को क्या करना होगा कि दोनों की दोनों फॉरेन करेंसी को आरबीआई रेफरेंस रेट का यूज करते हुए रुपीज में कन्वर्ट कर देना। मान लो हमने डॉलर से पौंड में कन्वर्जन किया, तो डॉलर इंटू आरबीआई रेफरेंस रेट, पौंड इंटू आरबीआई रेफरेंस रेट, दोनों किस में कन्वर्ट हो गए, रुपीज में कन्वर्ट हो गए। इन फिर दोनों वैल्यूज में से कौन सी ले लेनी है, लोअर और उसका कर दो 1%। 1% क्या आया, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब इस पर क्या लगेगा, आगे जीएसटी लगेगा, ठीक है, ये जीएसटी नहीं आया है। तो अगर हम इन तीनों को अगर समराइज करें, आरबीआई की रेफरेंस रेट यदि अवेलेबल है तो आप डिफरेंस निकालो कि तुम्हारा कितना फायदा, और उसके ऊपर जीएसटी लगा दो, सिंपल सा। और अगर आरबीआई की रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो इंडियन रुपीज में जितना भी एक्सचेंज हुआ है उसका कितना कर दो, 1% कर दो। और अगर एक फॉरेन करेंसी से दूसरी फॉरेन करेंसी में कन्वर्जन होता है तो फिर उस सिचुएशन में हमको क्या करना होगा, दोनों फॉरेन करेंसी को पहले रुपीज में कन्वर्ट करो, फिर दोनों में से लोअर लो और उसका कितना कर दो, 1% कर दो। मनी एक्सचेंजर के पास में एक ऑप्शन और होता है, वो ये रहा कि चाहे तो वो फर्स्ट ऑप्शन ले ले और चाहे तो वो सेकंड भी ले सकता है, लेकिन एक बार जो ले लिया फिर पूरे साल वही लेना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन में क्या है, सेकंड ऑप्शन में फिक्स्ड अमाउंट दे रखे हैं। सेकंड ऑप्शन बोलता है अगर 1 लाख रुपए तक का एक्सचेंज अगर तुम कर रहे हो तो जितना एक्सचेंज करा उसका 1% और 250 रुपीज, विच एवर इज हायर, मतलब एटलीस्ट तुमको 250 तो देना ही है, 250 रुपीज तो लगेंगे ही लगेंगे भाई। और इससे जा मान लो आप तुम एक्सचेंज कर रहे हो 80,000 का, 80,000 का 1% कितना हुआ, 800, और 250 विच एवर इज हायर, मतलब 800 देना पड़े। अगर तुम 1 लाख से भी ऊपर हो और 10 लाख तक का एक्सचेंज कर रहे हो तो बोला 1,000 तो फिक्स्ड। बोला कैसे फिक्स्ड हुए, आप 1 लाख तक का निकालो तो कितना आएगा, 1 लाख पे कितना बनेगा, 1,000 रुपए बनेगा। तो इसीलिए 1 लाख रुपए तक का तो ये 1,000 रुपए बन रहा है, इसका निकालेंगे ना इस रूल के अकॉर्डिंग तो वही बनेगा। प्लस अब तुम जितना भी ऊपर गए हो उसका कितना कर दो, 0.5%। यहां देखो अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, ध्यान रखना, पहले में अमाउंट की लिमिट थी 250 और पहले में क्या बोला है, दोनों में से हायर लेना है, आगे काम आएगा ये। दूसरे वाले में कुछ नहीं बोला, एक फिक्स्ड अमाउंट जो कि इस पर निकल रहा है प्लस 0.5% कर दो जितना ऊपर गए। मान लो 5 लाख का एक्सचेंज करा तो बताओ कितना बनेगा, यहां पर 5 लाख के एक्सचेंज पर कितना बनेगा, तो आप देखो 5 लाख में 4 लाख ऊपर गए हो, 4 लाख का कितना करोगे, 0.5%, 2,000 प्लस ये 1,000 ऐड कर दोगे। और अगर तुम 10 लाख रुपए से भी ऊपर चले जाते हो तो फिर यहां पर क्या बोलते हैं कि 5,500 तो ये ले लो। ये 5,500 कैसे आया, अगर तुम 10 लाख पे निकालो तो कितना आता है, देखो अगर तुम 10 लाख पर कैलकुलेट करोगे तो 5,500 ही आएगा, 9 लाख का 0.5% करो, 4,500 प्लस 1,000 तो 10 लाख पे कितना बनता है, 5,500। हम यहां कौन सी लिमिट में एंटर कर रहे हैं, अबाउट 10 लाख में, तो इसलिए 5,500 तो क्या कर दिया, फिक्स्ड 10 लाख पे बनता है। उससे ऊपर तुम जितना भी गए उसका 0.1% करो, और 60,000 विच एवर इज, देखो यहाँ क्या है लोअर,
पहले पॉइंट में क्या था, हायर, इधर है लोअर, मतलब 60,000 इज द मैक्सिमम लिमिट। अच्छा आप बताओ, किसी ने 5 करोड़ एक्सचेंज करे तो कितना बनता है, 5 करोड़ पे कितना बनेगा? पॉइंट 1% करना है, 4 करोड़ 90 लाख का कितना आएगा, 4 करोड़ 90 लाख का 0.1% कितना आएगा, 49,000 प्लस उसमें 5500 ऐड करो, 54,500 बनेगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। और यही मान लो आप 10 करोड़ होता तो फिर 60,000 बनती, क्योंकि आप 10 करोड़ पे निकालोगे 9 करोड़ 90 लाख का 0.1%, 99,000 प्लस उसमें 5500 और ऐड करते तो 1,03,500 हो जाता, तो हमारा 60,000 ही कम होता, तो इसलिए 60, मतलब मैक्स टू मैक्स 60,000 बन सकता है। लेकिन एक बार जो ऑप्शन ले लिया वो आपको पूरे साल तक वही लेना होगा, चेंज नहीं कर पाओगे फिर बाद में आप। इसके बाद नेक्स्ट वाले, एयर ट्रेवल एजेंट तो बड़ा सिंपल था। एयर ट्रेवल एजेंट में क्या था, या तो तुम नॉर्मल प्रोविजन के साथ चले जाओ, जो खरीदने पे जीएसटी दिया उसका आईटीसी ले लो सेल पर जो बन रहा है उसके साथ, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया इसको, बोला तुम एक फिक्स्ड रेट कर लो भाई, जितना भी तुम डोमेस्टिक बुकिंग का जो भी बेसिक फेयर है उसका 5% तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे, और इंटरनेशनल बुकिंग कर रहे हो तो इंटरनेशनल बुकिंग का जितना भी बेसिक फेयर है उसका 10% वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब सीधा सीधा हिसाब है, बेसिक फेयर का 5% डोमेस्टिक में और बेसिक फेयर का 10% इंटरनेशनल में। अब ये जो है ना, ये दो ऑप्शन है इसमें भी, इस दो ऑप्शन में तुम हर ट्रांजेक्शन पर चेंज कर लो, चाहे एक ट्रांजेक्शन में इसको ऑप्ट किया, इसको ऑप्ट किया, जिसको चाहे ऑप्ट करो। पहले में तो क्या है, पूरे साल उसी को लेना होगा, इस वाले में क्या है, तुम कोई सा भी लेकर के चल सकते हो दोनों में से। इसका अपन ने एक एग्जाम्पल भी किया था स्टडी मैट का, जिसमें हमने देखा था कि नॉर्मल के साथ जा रहा है तो क्या इनकम आ रही है, और ये जो 5% 10% के साथ जा रहा है तो क्या इनकम आ रही है, इसका एग्जाम्पल भी हमने कर लिया था। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में अपन ने क्या देखा था कि पॉलिसीज अलग अलग टाइप की होती है यहाँ पर। पहला तो सबसे पहला टाइप कौन सा है, कि एक रिस्क कवर पॉलिसी होती है। रिस्क कवर पॉलिसी में जितना तुम प्रीमियम भरोगे ना वो सीधा सीधा वैल्यू ऑफ सप्लाई है, उस पर जीएसटी लग जाएगा। कुछ पॉलिसी होती है रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट, जिसको हम रिस्क प्लस सेविंग भी बोलते हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि तुमको सेविंग इंटीमेट कर दियो, इन्वेस्टमेंट में कितना जा रहा हो ये बता दिया हो, या ये भी हो सकता है कि नहीं बताया। लेट से तुम 1 लाख रुपए का प्रीमियम भर रहे हो, आपको बता दिया कि इसमें से 60,000 तो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, 40% प्रीमियम पे जाएगा, तो जितना तुम्हारी लाइफ के लिए जा रहा है प्रीमियम वो वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब 40,000 जो वैल्यू सप्लाई लिया जाएगा। तुमको सेविंग इंटीमेट ही नहीं करी, बताया नहीं, 1 लाख ले लिए, बोला आप तुमको कुछ नहीं बताएंगे कि इसमें से कितना इन्वेस्टमेंट कितना हो, तो फिर क्या करना है, जो भी टोटल प्रीमियम है उसका कितना करना है, 25%, ये आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई, और सब्सिक्वेंट ईयर में कितना करना है इसका, 12.5% करना है, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई ले ली जाएगी। और एक और एन्यूटी वाला केस होता है, एन्यूटी के केस में आपको 10% ले लेना है जो भी प्रीमियम है उसका टोटल का, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। काफी आसान था और क्वेश्चन भी स्टडी मैट में अच्छे खासे थे, जो कि अपन ने कर लिया था। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेकेंड हैंड गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग, इसको अपन ने बड़े सिंपल तरीके से एग्जाम्पल से समझा था, ये उसी से समझा जा सकता है ज्यादा। देखो सेकेंड हैंड गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग में सबसे पहला तो डिपेंड इस बात पर करता है कि जो आगे सेकेंड हैंड गुड्स को सेल कर रहा है, जैसे अपन ने बात करी थी कि मिस्टर राम से कार 24 ने कोई कार ली ओल्ड, फिर उसको सही करके बढ़िया करके आगे सेल कर दिया, ठीक है, तो अब कार्स 24 वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, इस पर डिपेंड करता है। अगर कार्स 24 वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पा रहा है, अच्छा वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कब ले पाएगा, जब जिससे कार खरीद के लाया उसने इनवॉइस जीएसटी का बना के दिया होगा, तभी तो ले पाएगा वो। तो इस सिचुएशन में तुम नॉर्मल स्कीम फॉलो करो, जो बेचने पर जीएसटी बनता है माइनस जो खरीदने पर दिया था। अब मान लो अगर वो आईटीसी नहीं ले पा रहा है, कब नहीं ले पा रहा है, मतलब उसने इनवॉइस नहीं बनाया होगा, वो एक आम आदमी, मान लो अपन से खरीदने आए कोई तो अपन थोड़ी ना इनवॉइस बनाएंगे, तो अब क्या करें, तो बोला मार्जिन स्कीम फॉलो करो, तो मार्जिन स्कीम आपको फॉलो करनी पड़ेगी, मतलब जितना तुम्हारा रिटर्न है, मान लो 2 लाख में उससे खरीदी और 3 लाख में कहीं बेच दी, तो रिटर्न कितना आया, 1 लाख, 1 लाख के ऊपर क्या लगा दो, जीएसटी लगा दो। एक और केस था कि
बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में जो कि देखने को मिलता है कि अगर किसी ने हायर परचेज बेसिस पर कोई गुड्स या असेट खरीदी, अब वो उसकी ईएमआई नहीं पे कर पाया तो बैंक क्या करता है, रिपर्चेज कर लेता है, वापस लेकर आ जाता है उठा करके। अब बैंक उठा करके ले आया, खुद तो रखेगा नहीं उसको, आगे किसी को सेल कर देता है। ठीक है, मान लो जो है मिस्टर ए से बैंक रिपर्चेज करके लाया और मिस्टर बी को सेल कर दिया, तो सेल वैल्यू तो पता है हमको कि बी को 50,000 में बेचा, परचेज प्राइस कहां से लाए बैंक के हैंड्स में वो हमको पता ही नहीं होती। तो हमको क्या करना होता है, जितने में ए ने खरीदी थी उसमें से पर क्वार्टर का 5% लेस करो, जब खरीदी थी वहां से टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल तब तक का आप क्या कर दो, 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस कर दो, तो आपको परचेज प्राइस मिल जाएगी। अब तुम देखो, लेट्स से के परचेज प्राइस पड़ रही थी 30 बैंक के हैंड्स में और बैंक ने सेल कितने में कराए, 50 में, तो ये जो 20,000 का रिटर्न है उस पर क्या लग जाएगा, जीएसटी। अगर मान लो इन किसी भी केस में कभी भी मार्जिन नहीं मिल रहा है, तो इफ नो मार्जिन देन नो जीएसटी, जीएसटी नहीं लगेगा अगर मार्जिन नहीं है। तो ये अपना सेकेंड हैंड गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग वाला टॉपिक था। सप्लायर मतलब कौन, जिसका तुम गुड्स उठा के लाए हो उसकी परचेज वाले, हाँ, और उसमें से पांच, हाँ, उसमें से 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर का लेस हो। चलो आगे देखते हैं, टोकन्स होते हैं, वाउचर्स होते हैं, उनके केस में क्या करना होता है। तो हमने देखा था उस टोकन वाउचर के बदले में जो चीज तुम खरीद सकते हो, जो तुम ले सकते हो, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू बन रही है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई। मान लो एक टोकन मुझे मिला 100 रुपए में, लेकिन मैं उस 100 रुपए के टोकन के बदले में 300 रुपए की मूवी देख सकता हूं जाकर के, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी लेनी है, 300 लेनी है, उसके बदले में जो मिल सकता है वो लेनी है, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई ली जाएगी इसमें। केरला फ्लड से ऐड नहीं होगा, हमने बात करी थी। इसके अलावा फिर हमने देखा था कि प्योर एजेंट, एज ए प्योर एजेंट जो भी सप्लाई करी जाती है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होती है। लेकिन प्योर एजेंट कोई व्यक्ति कब बनेगा, इसके लिए हमने कुछ कंडीशंस भी पढ़ी थी। वो कंडीशन क्या थी, ये रही। पहली बात तो देखो, प्योर एजेंट की जो भी सर्विसेज है वो ऐड कब नहीं होगी, जब ये कंडीशन पूरी हो। क्या क्या कंडीशन है, पहले तो रिसिपिएंट उसको ऑथराइज करे उसके बिहाफ पे कि तुम मेरे बिहाफ पे ये सर्विस लो। जैसे अपन ने ट्रांसपोर्ट की सर्विस की बात करी थी कि अपन को कोई दिल्ली से फर्नीचर मंगाना है, लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन तो अवेलेबल है नहीं, तो हमने उस व्यक्ति को बोला कि भाई तुम हमारे ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करवा देना, हम उसको ऑथराइज कर रहे हैं पहली चीज। फिर ट्रांसपोर्ट के 5,000 रुपीज लगे, वो चीज उसको इनवॉइस में सेपरेटली मेंशन करनी कि 5,000 रुपए पेड टू ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर के मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। और कहीं पर जो आपको ये सर्विस दे रहा है एज ए प्योर एजेंट, उसको प्रोक्यूर नहीं करनी है, कहीं वही पता चले वो इस सर्विस को या उस गुड्स को कंज्यूम कर ले तो वहां पर वो प्योर एजेंट खत्म हो जाता है, उसका कोई लेना देना नहीं। बोले ये तुम्हारी अमानत तुम पकड़ो, मैं तो एज ए मीडिएटर तुमको बस इससे मिला रहा हूँ, एक फैसिलिटी दे रहा हूँ बस। कई बार ऐसे होता है हम फर्नीचर लेने जाते हैं, ले लिया, बोले अब लेंगे कैसे, बोले देख लो ऑटो वाला आएगा आप उसको खुद पेमेंट कर देना, तो वो क्या है वहां पर प्योर एजेंट है, वो एज ए प्योर एजेंट है। अब प्योर एजेंट कब बनेंगे, जब ये कुछ कंडीशन है। पहला कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है रिसिपिएंट के साथ के भाई मैं तुमको ये काम करके दूंगा। हमने इसका एग्जाम्पल देखा था कस्टम हाउस एजेंट, जो कि हमारे पोर्ट से गुड्स क्लियर करा के लाता है, कस्टम ड्यूटी भी पे करता है, डॉक चार्जेस भी पे करता है, फिर क्लियर करवा के ले आता है और अपनी जो खुद की फीस है वो ले लेता है अलग से। तो जो कस्टम ड्यूटी उसने हमारे भी आप पर पे करी, क्या उस पर वो जीएसटी लगाएगा, नहीं लगाएगा, क्योंकि हमारे भी आप पर उसने सरकार को पेमेंट कराया कस्टम ड्यूटी का। आज मान लो मैं बोलूं यार मैं जीएसटी नहीं भर सकता, मेरी जीएसटी लाइबिलिटी आपने डिस्चार्ज कर दी जाकर के, ठीक है, या फिर हम मान लो हम ई मित्र पे जाते हैं लाइट का बिल भरवाने जाते हैं, हमारा 5,000 का लाइट का बिल उसने भर दिया, आपसे 100 रुपीज एक्स्ट्रा लिए, तो वो 100 पर जीएसटी लगाएगा या 5,100 पर लगाएगा, उसकी इनकम तो 100 ही हुई ना, वो 5,000 तो उसने आपके बिहाफ पर पेमेंट कराए सरकार को, एज ए प्योर एजेंट है ही नहीं वो वहां पर। प्योर एजेंट कब मानेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, वो प्योर एजेंट किसी भी तरीके से उसका टाइटल होल्ड नहीं करता है, मालिकाना हक उसका नहीं है, खुद के इंटरेस्ट के लिए उसको यूज नहीं करेगा और रिसीव ओनली एक्चुअल अमाउंट, जितना खर्चा हुआ है उतना ही पैसा लेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेगा उस चीज के। मान लो पता चले जीएसटी तो भरा 5,000 का, बोला देखो 6,000 का तो जीएसटी प्लस मेरा कमीशन, फिर वो प्योर एजेंट
नहीं रह जाता है, उस सिचुएशन में पूरे 6,000 पर जीएसटी लगाना पड़ जाएगा। इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा था ये रहा। फिर हम एक रेट ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे थे कि सर एक्सचेंज रेट क्या ले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फॉरेन करेंसी में वैल्यू होती है, तो फॉरेन करेंसी में वैल्यू उसके ऊपर तो जीएसटी लगा नहीं सकते, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इंडियन रुपीज में। तो कैसे कन्वर्ट करें उसको, तो क्या बोला, देखो इंपोर्ट के केस में आप क्या करना है, कौन सी वैल्यू लेनी है जो सीबीआईसी ने बताई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के केस में तो ये लेनी है, दोनों ही इम्पोर्ट ही है, और सर्विस के केस में कौन सी वैल्यू लेनी है, गैप की, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। इसके बाद में रूल 35 क्या था कि अगर तुम कभी जीएसटी नहीं लगा पाए, भूल गए, या तुमने तो समझ लिया मेरा तो गुड्स एग्जम्प्ट है और तुमने जीएसटी नहीं लगाया, तो सरकार क्या करेगी, जीएसटी इंक्लूसिव मानेगी। कैसे मानेगी, मान लो आपने किसी से 500 रुपए लिए, जीएसटी नहीं लगाया और जीएसटी था 18% उसके, तो 500 रुपीज विल बी इक्वल टू 118 इंटू 18 करेंगे तो जीएसटी का अमाउंट निकल जाएगा, जो हम मैथ्स में करते हैं इंक्लूसिव मान करके। उसी तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा, वो बात यहाँ पर बोली गई। तो यहां तक अपना ये चैप्टर था, इसके बाद में ये चैप्टर अपना खत्म हो गया था। सारी बातें क्लियर है सभी को, किसी का कोई सवाल हो इसमें बताओ, इस चैप्टर के अंदर किसी का कोई भी डाउट रह गया हो, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप आज और कर ले, फिर नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कशन करेंगे और क्लोज कर देंगे इस चैप्टर को। इधर फटाफट बताओ भाई, सभी को क्लियर है कि नहीं बात। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेस्ट आज होगा नहीं, कल बताया तो था आपको कि इस चैप्टर के साथ में टेस्ट लेंगे अब लास्ट क्लास में। ये हो रहा है, वापस करो। चलिए आज के लिए इतना ही, टेस्ट वेनेसडे को है तो उसका साथ में होगा, ये वाला चैप्टर भी ऐड होगा उसमें, हाँ तो कल ही हो जाए, हो गया चैप्टर, कल नहीं परसों लेंगे फिर, कल तो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे अभी फिर लेंगे।